वर्तमान में गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है, जहां पर गणेश जी की स्थापना हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की जाती है और उनका पूजन विसर्जन बड़े ही धूमधाम से डीजे बैंड बाजों के साथ किया जाता है। लेकिन वर्तमान में कोरोना के समय को देखते हुए कुछ नई गाइडलाइन के साथ इनकी स्थापना करने की परमिशन दी जा रही है। ऐसे में गणेश उत्सव समिति को SDM अनुविभागीय अधिकारी से एक स्पेशल परमिशन लेनी होती है। परमिशन लेने के बाद ही आप गणेश जी का स्थापना करा सकते हैं और उनके विसर्जन में DJ या फिर साउंड का उपयोग कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो पे मैं आपको गणेश उत्सव में गणेश स्थापना से लेकर गणेश विसर्जन की अनुमति कैसे आप SDM से लेंगे, इसके लिए कैसे एप्लीकेशन करेंगे और इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं ये बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताता हूं आपको गणेश उत्सव के लिए, गणेश स्थापना के लिए, गणेश विसर्जन के लिए साउंड से लेकर स्थापना तक कैसे आप इसकी अनुमति लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वर्ड फाइल का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो एक वर्ड फाइल ओपन होती है। डाउनलोडेड वर्ड फाइल को ओपन करने पर इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये एक एप्लीकेशन है जो कि अनुमति के लिए बनाया जाता है, तो आपको इस प्रकार से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नवयुवक गणेश उत्सव समिति कैमूर, तो यहाँ पर आपको अपनी गणेश उत्सव समिति का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर लिया है, तो ये आपका एक लेटर हेड टाइप में बन जाता है। यहाँ गणेश जी का ये सिम्बॉल है। नीचे आपको लिखना है प्रति श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तहसील, यहाँ पर आपको अपनी फिल करनी है। यहाँ पर अपना जिला और यहाँ पर स्टेट आपको फिल कर लेना है। मैटर नहीं करता है आप किसी भी स्टेट के हों, आप इसके लिए परमिशन ले सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर तहसील और जिला और यहाँ पर स्टेट का MPT करके रखा हुआ है। इसके बाद विषय में गणेश स्थापना अनुमति प्रदान किए जाने बाबत ये आपको सेम रखना है। ये वर्ड फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको थोड़ी बहुत मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, पूरा आपको मैटर मॉडिफाई नहीं करना है। इसके बाद लिखना है महोदय उपयुक्त विसर्ग अंतर्गत के संबंध में निवेदन है कि नवयुवक गणेश उत्सव समिति ग्राम कैमूर तहसील बिजरावगढ़ की धार्मिक समिति है। तो जहाँ की भी आपकी ये समिति है, जिस भी स्थान की है, तो वो आपको स्थान यहाँ पर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आपको ये समिति का नाम आपका डिफरेंट हो सकता है, जो भी हो आप अपनी समिति रख सकते हैं। अगर आपके केस में इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल अगर रखना चाहते हैं तो इसे आप हटा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे तो ये आपको सीधे हटा देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है यह कि उक्त समिति प्रत्येक वर्ष भगवान गणेश की स्थापना करती है तथा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गणेश भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है। यह कि गत वर्ष कोरोना लॉकडाउन तथा शासन के आदेश अनुसार किसी भी स्थान पर गणेश उत्सव या गणेश की स्थापना नहीं की गई है, तो ये आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप प्रत्येक वर्ष करते आ रहे हैं या फिर लगभग जितने साल से आप करते आ रहे हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर ये आपने दिया है कि पिछले साल लॉकडाउन के चलते, कोरोना लॉकडाउन के कारण आपने नहीं किया हुआ है, आपने किसी भी प्रकार का गणेश उत्सव या गणेश स्थापना नहीं की हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना यह है कि वर्तमान वर्ष में उक्त समिति पूर्व की भांति गणेश उत्सव करना चाहते हैं जिसमें भगवान गणेश की स्थापना की जाएगी, जिसकी अनुमति हेतु श्रीमान के समक्ष आवेदन प्रस्तुत है, तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद यह कि समिति शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करेगी तथा कम से कम भीड़ एकत्र करने की यथासंभव कोशिश की जाएगी, समिति प्रशासनिक नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होगी। ये लाइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि शासन द्वारा जो भी कलेक्टर के द्वारा रूल्स बनाए जाएंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई जाएगी, कलेक्टर जिला कलेक्टर जो भी निर्धारित करेगा, वो आपको उसके मापदंडों को फॉलो करना ही पड़ेगा, उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद प्रेयर में लिखना है, श्रीमान से निवेदन है कि समिति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार करते हुए समिति को गणेश उत्सव के लिए गणेश स्थापना की अनुमति प्रदान की जाने की कृपा करें, तो यहाँ पर आपको अध्यक्ष का नाम लिख देना है, ये अध्यक्ष लिख देना है नवयुवक गणेश उत्सव समिति, जो भी आपकी समिति का नाम है वो आप यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ पर अध्यक्ष साइन करेगा, यानी कि ये एप्लीकेशन आपको बना लेना है। एप्लीकेशन बनाकर इसका प्रिंट आपको निकालना है, प्रिंट आपको दो प्रतियों में देना है। यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, संलग्न में आप देख सकते हैं, संलग्न में आप नीचे पहला पॉइंट आप लिख देंगे श्रीमान
थाना प्रभारी महोदय, जो भी आपका पुलिस स्टेशन लगता है वो आप यहाँ पर डालेंगे कि और सादर सूचनार्थ, ये आप लिख दीजिए। एक प्रति आपको इसकी अपने पुलिस स्टेशन में देनी है और एक प्रति आप एसडीएम के यहाँ देंगे। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली इस एप्लीकेशन को आप दे दीजिए। एक प्रति में आप एसडीएम के यहाँ देंगे और एक प्रति में आप दे दीजिए पुलिस स्टेशन में। ये जब आप एसडीएम ऑफिस में देते हैं तो आपको इसकी रिसीविंग दी जाती है और साथ में आपको एप्लीकेशन के साथ एक अनुमति पत्र दिया जाता है, जिसका यूज़ करके आप गणेश उत्सव में गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं और वहाँ पर अपने वाद्य यंत्रों का भी जो भी यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप गणेश उत्सव में गणेश स्थापना के लिए कैसे परमिशन ले सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।